नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो सारा वैल्यू दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 3/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू ऑल्सो रूट 3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना 1/2। ये वैल्यू दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर, बाई में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 जा 4। ये स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4, 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में, ये हो जाएगा 3 प्लस ये 1, ये हो जाएगा 4/4 कैंसिल कीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसका आंसर दोस्तों हो गया 1। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। देखिए दोस्तों इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया है, कह रहा है 2 tan² 45° प्लस कॉस स्क्वायर 30° माइनस साइन स्क्वायर 60°। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में दिया है, यहाँ पर देखिए पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो ये हो गया 2 इंटू, यहाँ पर देखिए 10² 45°, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 45° का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30° है तो इसको लिख सकते हैं कॉस 30° का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो इसको लिख सकते हैं साइन 60 का होल स्क्वायर। यदि यहाँ पे क्यूब रहता तो हम लोग पावर यहाँ पे क्या करते, क्यूब कर देते। आगे देखिए अब सारा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 × 10^45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1² प्लस कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60 रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए रूट 3/2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव में है और यहाँ पे रूट 3/2 का होल स्क्वायर नेगेटिव में है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 × 1² 1, तो फाइनल इसका आंसर हो गया 2। तो बहुत आसान है दोस्तों इस तरह क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, बस सिर्फ आप लोगों का वैल्यू सिर्फ पता होना चाहिए। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, देखिए इसका थर्ड पार्ट दोस्तों हम लोग ये दिया गया है कॉस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस कॉस एक 30°, इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। सबसे पहले सारा वैल्यू पर लिखिए इसको, ये कॉस 45, तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है अपॉन में सेक 30, सेक 30 का वैल्यू दोस्तों होता है 2/√3 होता है प्लस कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2 होता है, ओके। अब यहाँ पे इसका क्या कीजिए, नीचे में यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 1/√2 तो एज इट ही रहेगा अपॉन में कैल्शियम कितना हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 के टेबल में रूट 3 कितना टाइम्स, रूट 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ओके। अब आगे देखिए ये 1/√2 तो एज इट ही रहा, मल्टीप्लाई चला जाएगा ऊपर, ये रूट 3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। आगे देखिए रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये रूट 3 अपॉन में, ये हो जाएगा रूट 2 टाइम्स 2 प्लस 2√3, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया रूट 3 अपॉन में, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2, 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2√2 हो जाएगा प्लस 2 × √3 × √2, देखिए तो रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो रूट 6 हो जाएगा, पीछे में 2 रहेगा तो हो जाएगा 2√6, ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे में क्या है, रूट वाला टर्म है, यहाँ पे रेशनल नंबर है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन, इसको रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 2√2, इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो -2√6 अपॉन में, यह हो जाएगा 2√2 -2√6, ओके। आगे देखिए अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो एज इट ही रहेगा, रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6 माइनस, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करें 2 तो एज इट ही रहेगा,
रूट सिक्स को रूट सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट इन रहा 18 अपॉन में, देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, ए प्लस बी, इसको ए लेट करेंगे, इसको बी लेट करेंगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस बी कितना है 2√6 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2 इंटू, देखिए रूट 18 को हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे रूट 18 को हम लोग क्या ले सकते हैं बताइए, 3√2 ले सकते हैं कैसे, देखिए रूट 18 है ना, तो लिखेंगे 2, तो 3 × 3 × 2 लिख लेंगे इसको, 3 × 3 × 2 लिखेंगे, और इसको रूट से बाहर करेंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगी, √2। इस रूट 18 को हम लिख दिए 3√2, ओके, अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओके। आगे देखिए नेक्स्ट पेज से क्या रिजल्ट आता है, अब इससे आगे देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को 2√6 माइनस ये हो जाएगा 6√2 अपॉन में 4 × 2 = 8 माइनस 24, ओके। यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन क्या आ रहा है, 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन में 8 माइनस 24 गया तो कितना हो जाएगा माइनस 16, ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस 8। अब देखिए ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन में माइनस 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव नीचे में है, हम लोग क्या करें यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन ले दीजिए, इसका साइन क्या चेंज हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव अपॉन में माइनस 8, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। तो ये दोस्तों इसका थर्ड का आंसर हो गया, ताइए दोस्तों इसका थर्ड पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा। इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, देखिए इसका फोर्थ पार्ट हमें ये दिया गया है, साइन 30° प्लस टेन 45° माइनस कॉसेक 60° अपॉन में सेक 30° प्लस कॉस 60° प्लस कॉट 45, इसका वैल्यू हम लोग निकालना है तो वैल्यू वहाँ पर रखिए, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन में सेक 30, देखिए सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 1 होता है। अब यहाँ पर दोस्तों लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी बाय 1 कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पे 2 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और देखिए 2 के टेबल में 2√, देखिए 2√3 में यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा √3 प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√3 माइनस ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा अपॉन में, नीचे में भी एलसीएम क्या रहेगा सेम रहेगा 2√3, यहाँ पे देखिए √3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा √3, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा √3 प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो एज इट इज तो हो जाएगा 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। अब देखिए सेकेंड एंड फोर्थ थोड़ा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, आगे देखिए, अब देखिए √3 में 2√3 ऐड करेंगे तो यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, आगे √3 है तो ये 3√3 हो जाएगा, देखिए 2√3 + √3 क्योंकि √3 में √3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए √3 हमेशा √3 के साथ ऐड होगा तो 2 + 1 कितना हो गया 3, आगे में √3 लगा दिए माइनस 4 अपॉन में ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ भी सेम है तो 1√3 + √3 कितना हो जाए 3√3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या रूट में आ गया है और हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 इंटू इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 - 3√3 अपॉन में 4 -
3 रूट अंडर 3। ओके आगे देखिए, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 रूट अंडर 3, 4 से माइनस 4 को मल्टीप्लाई, 4 जो 16 हो जाएगा। इस 4 से क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किए, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 4 3 जाए 12 रूट अंडर 3 अपॉन में, देखिए ये और ये दोनों सेम टर्म से पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है, इसको ए लेट करेंगे इसको बी लेट करेंगे तो ए प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी। तो क्या आइडेंटिटी बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है यहाँ पे 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि 3 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, देखिए ये 12 रूट 3 और ये 12 रूट 3, तो 12 प्लस 12 कितना होगा 24 रूट अंडर 3 माइनस 16 माइनस 27 अपॉन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। आगे देखिए, अब इससे आगे दोस्तों देखिए ये हो जाएगा 24 रूट अंडर 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन आएगा माइनस का, ये हो जाएगा 7 6 13 और 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा अपॉन में ये 16 माइनस 27। आगे देखिए 24 रूट अंडर 3 माइनस 43 अपॉन में ये हो जाएगा माइनस 11 हो जाएगा। ओके अब यहाँ से दोस्तों देखिए नीचे में नेगेटिव है तो यहाँ पर लोग क्या ऊपर में क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो नेगेटिव वाला साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 अपॉन में माइनस 11, ये माइनस है माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर दोस्तों हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 अपॉन में 11, ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया इसका फोर्थ पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग ये दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। दोस्तों देखिए पहले स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे ठीक से लिख लेंगे, देखिए 5 है यहाँ 5 लिख दीजिए इनटू, अब cos स्क्वायर 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, यदि यहाँ क्यूब रहता तो यहाँ हम बाहर क्यूब लगा देते फिर 4 इनटू, अब यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर 30 है तो लिख सकते हैं sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 है तो लिखेंगे 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ओके अपॉन में साइन स्क्वायर 30 है तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर। आगे देखिए अब सारा का वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो 5 इंटू कॉस 60 तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/ में रूट अंडर 3 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर डाल दीजिए माइनस 10 45 तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन में साइन 30 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर डाल दीजिए। आगे यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 अपॉन में 4। ओके अब आगे देखिए ये हो जाएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 अपॉन में 4 प्लस 4 जो 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 1 प्लस 3। आगे देखिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 के 12 और 12 कितना टाइम्स में आता है बताइए 3 टाइम्स में, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 15
प्लस 3 के टर्म 12 फोर बार में, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64 माइनस ये हो जाएगा 12 अपॉन में 4 अपॉन में 4। ओके आगे देखिए, अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 549 और ये हो जाएगा 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके माइनस 12 अपॉन में ये हो जाएगा 12 और ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा बाइब में 1 ही रहेगा, इसे तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, नीचे में 1 लिख सकते हैं। ओके अब देखिए इसमें इसको माइनस किया 9 माइनस 2 क्या हो गया 7 हो जाएगा और 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 अपॉन में 12। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। और ये दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।